जी दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ये रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं, किसी की भी जिंदगी आप बना सकते हैं वीडियो से। जो भी आपके लोग हैं, आप खुद विदेश जाना चाहते हैं, अगर इस रिक्वायरमेंट पे और भी रिक्वायरमेंट आपके ट्रेड का भी दिखा रहा हूं, अगर फुलफिल बैठते हैं तो आपको भी रोजगार मिल सकता है। वह वीडियो जिसको भी भेजते हैं, जिसको यह रिक्वायरमेंट बताते हैं, उसकी जिंदगी बन सकती है मेरे भाई। तिया जो है, देखिए, अमेरिकन कंपनी है, सऊदी अरबिया का, ठीक है, अमेरिकाना। और यह जो है, जैसे अपने यहां पिज्जा हो गया, KFC हो गया, शहरों में देखते होंगे कि पिज्जा का बहुत बढ़िया दुकान खुला है, और डोमिनोज का खुला है, और भी बहुत सी कंपनियां जो दुकान खुला है, उसके लिए इनको सर्विस क्रीव चाहिए, वो भी 150 आदमी मेरे भाई चाहिए। तो जो आ जाएगा और उसका तुरंत वीजा निकल जाएगा, उसको इंटरव्यू जो पास कर लिया, उसको विदिन 7 से 10 दिन के अंदर जाना है, और वही लोग आएंगे जो 10 से 15 दिन जाने के लिए तैयार हो मेरे भाइयों। और इसमें पढ़े लिखे आदमी चाहिए, इंग्लिश, ये अमेरिकाना कंपनी है और बहुत ही पुरानी मेरे भाई कंपनी है। कैसे हैं आप, यह मत सोचा करिए कि आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं, यह सोचिए कि आपके साथ मैं बैठ के आपसे बात कर पा रहा हूं, तब हमारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। यह जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। यह देखिए रेस्टोरेंट है, अमेरिकाना रेस्टोरेंट करके, और बहुत ही पुराना है सऊदी का। आप वेबसाइट पे जाके पूरा चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हम नौबत ही नहीं लाएंगे, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। यह जो है, बाकी बात करने वाले भाई जो बात करना चाहते हैं, वीडियो को शेयर करें, समझ रहे हैं दोस्तों, वीडियो को आप शेयर करिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, कोई सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट लिखिए, बात करना चाहते हैं शेयर करके कॉल में लिखिए, मैं जरूर आज आपसे मैं बात करूंगा, विश्वास करिए। तब तो मैं आप शेयर कर रहे हैं, तब तो मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूं। शेयर करने के लिए पूछ रहे हैं, देखिए भाई साहब, क्या आपको शेयर करने के लिए नहीं मालूम है, यह उंगली है लेफ्ट में इधर किनारे, देखिए SHAR लिखा होगा, शेयर दबा दीजिए। जो साथी पढ़े लिखे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। 714 शेयर हमारे देख रहे हैं, थोड़ा शेयर करके 786 कर दीजिए, बहुत अच्छा अंक है, ठीक है। आपके हमारे सबकी किस्मत बदल जाएगी और देखने वालों की भी। तो यह देखिए अमेरिकाना रेस्टोरेंट का है, और जूम इंटरव्यू इसी 26 नवंबर को है मेरे भाई, ध्यान से समझ लीजिए और मैं जो बता रहा हूं सुन लीजिए। इसमें जो है सर्विस क्रीव का काम है, जो भी पिज्जा ऑर्डर या जो भी जो ऑर्डर करता है उसको उसके टेबल पे देना है, ठीक है। टेबल पे देने के बाद जो भी उसका बिल आया, जो भी टेबल साफ करना है, यही काम है पढ़े लिखों का। और इसमें वही कैंडिडेट चलेगा जिसको बेसिक इंग्लिश मालूम हो, जो लोगों की बातें समझ सके। सपोज करिए कोई आया ऑर्डर देने के लिए, बोल दिया गिव मी वन पिज्जा, अब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या मांग रहा है, वाटर नहीं समझ पा। आपको बेसिक इंग्लिश आनी ही चाहिए, जो अपने बारे में कुछ हल्का फुल्का, माय नेम इज, माय वर्क एक्सपीरियंस, जो भी चीजें आप बता सकें, ठीक है। और ये पढ़े लिखों के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, लेबर में जाने से अच्छा है, हेल्पर से जाने से अच्छा है कि इस लाइन में आप जाएं, आपकी जिंदगी बन जाएगी। आपको एसी के अंदर काम करना रहेगा, नहीं तो जो विदेश रहे हैं उनसे पूछिएगा बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, और अच्छे से आपको बताएंगे। तो ये पढ़े लिखों के लिए है। इसमें ध्यान दीजिएगा कौन कौन लोग इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं, वही लोग आएंगे, नहीं तो 1000 पेनाल्टी हम भी मारेंगे भैया, जो कहना साफ बात, क्योंकि मैं साफ साफ बता रहा हूं। ऐसा आदमी आएगा जो कंपनी देखे जो बोल रही है, मैं वही बता रहा हूं, ऐसे कंपनी को ही वीजा देगी, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, पहला चीज, कैंडिडेट को हल्का फुल्का इंग्लिश मालूम होना चाहिए। दूसरा चीज, कैंडिडेट थोड़ा देखने में सुंदर दिखना चाहिए। अच्छा, एज का पहले मैं बता दूं, इसमें एज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 22 साल से अब 32 साल तक जिनका एज है वही इंटरव्यू दे सकता है। कोई 33 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 40 साल का है, सोच ले इसमें इंटरव्यू देके चला जाएगा तो पूरा उसका किराया भाड़ा सारा चीज नुकसान होगा, प्लस 1000 हमारा पेनाल्टी भी उसको देना पड़ेगा। तो मैं आपका टाइम भी बचाना चाहता हूं, आपका जो भी टाइमिंग है, पैसा है, सारा बचाना चाहता हूं, साफ साफ बता रहा हूं। पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि इसका, इसमें उम्र जो है 22 साल से 32 साल तक होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। तीसरा क्या है, आप सुंदर दिखने चाहिए। चौथा चीज क्या है कि आपके दाढ़ी नहीं होना चाहिए, आप क्लीन शेव होने चाहिए। कोई साथी साथ दाढ़ी रखा है, समझ रहे हैं,
तो नहीं आना चाहिए। आप कहीं भी मतलब कभी भी आप जाएंगे पिज्जा में, डोमिनोज में, KFC में, तो आप देखेंगे कितनी स्मार्ट लड़की रहते हैं। और देखिए टोपी भी इस तरह से लगाए हैं, ड्रेस है वहां का, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा वेल मेंटेन होकर इंटरव्यू में आना है। ये नहीं कि दाढ़ी है आज सुबह उठे भूंगारे आग मिसे उसे आग कीचे उचे लेकर बैठ गए, हाँ सर वो देखते ही फायर हो जाएगा, कहेगा यार यूपी बिहार में हमको मालूम था ऐसे आदमी नहीं मिलेंगे। ठीक है, 1300 भाइयों को सलाम आदाब नमस्कार, मेरा सलाम नमस्कार प्रणाम स्वीकार करिए। आपके पास से ये मत सोचिए मोबाइल से कर रहे हैं, आप जवाब भी दीजिए। तो यह जो है मैंने सारा चीज बता दिया। सैलरी ध्यान से देखिएगा, 1000 सऊदी रियाल है। ड्यूटी जो है 8 घंटा करना है प्लस 1 घंटे का खाना का छुट्टी रहेगा। ड्यूटी टाइम में जो भी आपका ड्यूटी टाइम है उसमें कंपनी आपको खाना देगी। देखिए मैंने साफ लिखा है 1000 रियाल सऊदी सैलरी प्लस ऑन ड्यूटी फूड। जब आप ड्यूटी पीरियड में होंगे तो खाना देगी, ड्यूटी पीरियड में नहीं है सब नहीं है तो कंपनी आपको किचन फैसिलिटी देगी, आपको बना के खाना रहेगा, ठीक है। इसमें पासपोर्ट आपका ECR हो या ECNR हो, 10 फेल वाले या 10 पास वाले जा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ये आना चाहिए आपको हल्का फुल्का, या अरबी आपको हल्का फुल्का मालूम होना चाहिए, ठीक है। यह 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। कंपनी जो है एज लिमिट जो है 22 से 32 साल, मैंने बता दिया 32 साल से एज है ऊपर है तो मत आइएगा, 22 साल से एज कम है तो मत आइएगा। दूसरा चीज जो है इसमें सैलरी के बाद क्या क्या कंपनी देगी, सबसे पहले कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट देगी आपके रूम से आपके जो भी रेस्टोरेंट है वहां तक आने के लिए जो भी मतलब रहेगा उसके लिए साधन देगी। दूसरा रहने के लिए आपको रूम देगी। तीसरा आपको मेडिकल और इंश्योरेंस देगी, कभी भी तबीयत खराब होता है इलाज करा सकते हैं, इंश्योरेंस भी आपका रहेगा। और भी कई बेनिफिट हैं, 2 साल के बाद आएंगे कंपनी आने जाने का टिकट देगी, फंड बोनस कटेगा, जो भी सऊदी का लेबर लॉ होगा उसके हिसाब से आपको सारा चीज मिलेगा मेरे भाइयों। यह जो है रिक्वायरमेंट हमारा है रेस्टोरेंट के लिए। दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट है यह देखिए, यह ड्राइवर भाइयों के लिए है, बहुत खुश हो गए आप ड्राइवर वालों भाइयों के लिए है, और इसमें आदमी जा भी चले भी गए हैं तो इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए। और मैं बता रहा हूं तब तक पहले रिक्वायरमेंट के लिए मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका, एक एक बात बता दिया हूं। सर्विस चार्ज बहुत ही कम रहता है हमारा, ठीक है, और उसका टेंशन ना लें, आप आए इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू में पास होते हैं आपका काम हो जाएगा मेरे भाई। अब ये आज ये दूसरे रिक्वायरमेंट में, यह जो मैंने बताया है यह 26 तारीख को है इंटरव्यू, इसका फोटो भी खींच सकते हैं। और दूसरा रिक्वायरमेंट हमारा 28 तारीख में है, 28 तारीख में हमको पार्सल डिलीवरी ड्राइवर चाहिए, सऊदी का लाइसेंस उनके पास रहे, चाहे वैलिड चाहे एक्सपायर, लाइट ध्यान दीजिएगा, सऊदी का लाइसेंस जिन भाइयों के पास है वो इसमें विदेश जा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें सैलरी जबरदस्त है, और सैलरी से सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें इंसेंटिव है, आपका जो सैलरी है तो है लेकिन जितना पार्सल डिलीवरी करेंगे एक पार्सल के पीछे आपको अलग से पैसा मिलेगा, सोच लीजिए कितनी ज्यादा सैलरी, मतलब पूछिए मत। इसमें आज भी मेरे गए हैं, ठीक है, आप कहेंगे तो आपको वीजा भी दिखा दूंगा। यह देखिए, यह जो है इसका 28 तारीख में इंटरव्यू है, पार्सल री ड्राइवर चाहिए। इसमें कौन कौन से लोग इंटरव्यू दे सकते हैं, पहला जिनका उम्र 24 से और 37 साल के बीच में हो, ठीक है, 24 से 37 साल के बीच में हो इसमें आकर इंटरव्यू दे सकते हैं। पहला रिक्वायरमेंट क्या है, सऊदी का लाइट लाइसेंस वैलिड या एक्सपायर दोनों में से कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है, इसमें 100 आदमी चाहिए। तीसरा रिक्वायरमेंट उनको अरबिक या इंग्लिश हल्का फुल्का मालूम होना चाहिए। चौथा जो हम गाड़ी चलाते हैं गूगल मैप में डाले लोकेशन और जहां मर्जी वहां चले गए, गूगल मैप भी आपको आना चाहिए मेरे भाइयों। तो यह जो है तीन रिक्वायरमेंट है। पहला देखिए पार्सल डिलीवरी में कौन इंटरव्यू देने आएगा, जिनके पास सऊदी का लाइसेंस हो, जिनके पास सऊदी का लाइसेंस हो वैलिड या एक्सपायर हो, या दूसरा ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया, उनको इंग्लिश या अरबी मालूम होना चाहिए हल्का फुल्का। तीसरा उनको गूगल मैप चलाना चाहिए। चौथा जो है उम्र 24 से 37 साल तक होना चाहिए, ठीक है। सैलरी वगैरह बताने से पहले एक चीज बता दूं, यह इंटरव्यू उन्हीं भाइयों को हो पाएगा जो ऑफिस में कोशिश, देखिये जो है जूम इंटरव्यू है, हम लोग पहले CV भेजते हैं डॉक्यूमेंट, तो जो दूर के साथी हैं वो आ जाए जिस दिन इंटरव्यू है, मैं कोशिश करूंगा आपका डॉक्यूमेंट भेज के जो भी है चीजें मैं इंटरव्यू करा दूं, पूरा कोशिश करूंगा। जो दूर के साथी हैं, जो लेकिन 100 किलोमीटर के राउंड में है, समझ रहे हैं,
तो किसी भी तरह एक बार ऑफिस में आकर अपना डॉक्यूमेंट पासपोर्ट जो भी है जमा कर दें, ताकि इंटरव्यू के लिए आपका डॉक्यूमेंट भेज दें और आपका इंटरव्यू सबसे पहले हो जाए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्लाइंट के पास हम भेजेंगे और कोशिश करिए आप सीवी बायोडाटा बढ़िया से बना के लेकर आइए। अब जैसे सीवी सर्विस क्रू है, सर्विस क्रू ट्रेड में लिखवा लिए, अपना पढ़ाई लिखाई के लिखवा लिए, जितना पढ़ाई लिखाई आपने किया है 10 पास से लगाए, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कंप्यूटर सम्प्यूटर जो भी है सर्टिफिकेट वो भी लगा लीजिए एक ही पीडीएफ में। पहले बायोडाटा, उसके पास पासपोर्ट का कलर कॉपी, उसके पास सारे आपके पढ़ाई लिखाई सर्टिफिकेट, उसके पास एक बढ़िया एकदम सेविंग किया, दाढ़ी नहीं मांग रहा, एक बढ़िया फुल फोटो उसके नीचे अपना लगा लीजिए, ताकि आप आए अपना सीवी जमा करें, हम क्लाइंट में भेजें और जब इंटरव्यू लेने के लिए बैठे और कब सीवी खोले तो दिल खुश हो जाए, कह अरे वाह देखो लड़का इतना अच्छा पढ़ा लिखा है, या जो भी है तुरंत सेलेक्ट कर दे। और इसी तरह ड्राइवर का भी, इसी तरह ड्राइवरिंग का भी आपका बायोडाटा होना चाहिए, पासपोर्ट का कलर कॉपी, वीजा जितना लगा है उसका, ड्राइविंग लाइसेंस क्लियर प्लस फुल फोटो का, आप देखने में कैसे लग रहा है, आपका तुरंत काम हो जाएगा कहीं भी इंटरव्यू देने के। ऐसा सीवी सबको बना के अपने मोबाइल में रखना चाहिए और मैं कहता हूं लेके आ पाए। तिया जो है 26 तारीख को बता दिया, और कोशिश करिए मेरे भाई जो दूर के हैं वो पहले आके अपना जगह रिजर्व कर ले, नहीं तो लास्ट दिन आएंगे तो बड़ी इंटरव्यू के दिन भगदड़ रहता है, जान लीजिए, पता चला डॉक्यूमेंट सही टाइम पे जा ना पाया, कुछ हो गया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरे भाई, तो आप आए जरूर, ठीक है। बाकी इसके सैलरी के बारे में बात कर रहा हूं, पार्सल डिलीवरी के 1400 सऊदी रियाल जो है प्लस 200 सऊदी रियाल खाने का है, ठीक है। इसके बाद जितना डिलीवरी करते हैं पर डिलीवरी के हिसाब से मेरे भाई, पर डिलीवरी के हिसाब से उनको जो है पैसा मिलेगा, ठीक है। और जो है इसमें जो भी ड्यूटी रहेगा, ठीक है, और डिलीवरी के हिसाब से पैसा मिलेगा, इंक्लूडिंग लंच ब्रेक जो भी है उसी में रहेगा, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, सऊदी का देखिए पीसीसी भी खत्म हो गया है, अजहरुद्दीन भाई ठीक है आप आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट है, सऊदी का देखिये पीसीसी भी खत्म हो गया है और सऊदी का वीजा पहले से आया रहता है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इसका देखिए सऊदी का नियम क्या होता है कि सऊदी का वीजा कंपनियां नहीं निकालती हैं, ठीक है, जिसको काम मिला रहता है उसके पास ऑलरेडी जो है वकाला रेडी हो जाता है, वो जिसका वीजा चाहे मोफा नंबर मार सकता है, आप आए तुरंत जो है मेडिकल कराइए वीजा नंबर लीजिए, मेडिकल कराइए वीजा नंबर लीजिए। तो मेरे भाई इसमें यह नहीं चांस है कि आप इंटरव्यू मारे वीजा आएगा कि नहीं आएगा, 1001% लिख लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड करके अपने पास रख लीजिए मेरे भाई, पूरा गारंटी और चैलेंज के साथ दे रहा हूं, अगर आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो 1001% वीजा आएगा, मेरी जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं। अब सिर्फ जो है सऊदी के लिए ऑलरेडी पहले से वीजा रखा है यार, नाम डाल के देना है, हेलो तुम्हारा वीजा है, मेडिकल करा के आए, मोफा नंबर मिला, ठीक है, उसके बाद तुरंत पासपोर्ट चला जाएगा स्टैंपिंग के लिए मेडिकल रिपोर्ट और पासपोर्ट के साथ, समझ रहे हैं। इंडियन लाइसेंस अब साहब आलम भाई नहीं चाहिए, मैं बार बार बोल चुका हूं, एड्रेस के लिए आप एकदम ना परेशान हो, इसी मैसेंजर पे जो फेसबुक पेज देख रहे हैं हाई लिख के भेजेंगे, मैं वीडियो भेज दूंगा, वीडियो देखते हुए चले आइए। एड्रेस के लिए मैं बता देता हूं कि गोरखपुर में मेरा सिर्फ ब्रांच चलता है और कहीं नहीं है, गोरखपुर में परफेक्ट के नाम से हमारा ऑफिस है, आप जो है पूरे गोरखपुर में एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट का, ठीक है, एक नाम एक ही है, इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत है, आप सीधा मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाएंगे, वहां आने के बाद दो रास्ता बताए गए हैं, बाइक वालों के लिए अलग, पैदल वालों के लिए अलग, हाई लिख के मैसेज करेंगे तो हम जो है आपको इसमें वीडियो भी भेज देंगे। दूसरा चीज एड्रेस के लिए, एड्रेस के लिए मेरे भाई मैं आपको यूट्यूब पे जाएंगे या यूट्यूब पे सिर्फ सर्च मार देंगे परफेक्ट ग्रुप ऑफिस एड्रेस, यूट्यूब पे सिर्फ आप सर्च मार देंगे, मैं सर्च मार के भी दिखा दे रहा हूं आपको, देखिए परफेक्ट ग्रुप ऑफिस एड्रेस, ये देखिए, या जब परफेक्ट ग्रुप इस तरह से लिखेंगे यूट्यूब पे परफेक्ट ग्रुप ऑफिस एड्रेस तो हमारा ही फोटो आ जाएगा। देखिए उस समय सऊदी थे तो उन लोगों ने ड्रेस गिफ्ट किया था तो वही पहन के फोटो खिंचवाया था। जो 76,000 लोग देखे हैं ये पैदल वालों के लिए रास्ता है, और नीचे जो है जो 13,000 लोग देखे हैं वो दोपहिया या जिनके पास गाड़ी घोड़ा है उनके लिए रास्ता है। यह दोनों वीडियो आप देख लेंगे, अगर आप अंगूठा छाप भी रहेंगे और दो बार ये वीडियो हमारा देख लिए रहेंगे, वीडियो तो बहुत पुराना है, आप देख लेंगे, तो मैंने रास्ता भी वीडियो बनाया कि रास्ता कैसे दिखता है, आएंगे तो कैसे क्या है,
अगर आप अंगूठे छाप हैं और अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो चुपचाप आ जाएंगे मेरे भाई, समझ रहे हैं। तो ये दो मैंने रिक्वायरमेंट आपको दे दिया है, सारा चीज क्लियर कर दिया है, ठीक है। और जो साथी जो है बात करना चाहते हैं, अंकुर भाई पूछ रहे हैं क्या हुआ। देखिए भाई अंकित क्या नाम है, अंकुर राय भाई साहब, देखिए मैं रियली बता रहा हूँ कि आपका ऑलरेडी इंटरव्यू हो गया है, सिलेक्शन लिस्ट आ गया, सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो है हर एक कंट्री का अलग अलग रूल होता है। ओमान का रूल होता है कि आपका गमका मेडिकल होगा उसके बाद वीजा आएगा। सऊदी का क्या है कि आपका पहले वीजा रेडी रहेगा, आप पहले मोफा नंबर लीजिए, मेडिकल कराइए, तुरंत आपका वीजा समझ लीजिए, ऑफिस के पास ही रहता है, कोई कंपनी नहीं देती, ऑफिस वाला ही वो वकाला नंबर रहता है, वो सिस्टम से डाल के दे देता है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, ऑफर लेटर का मैं भी वेट कर रहा हूँ आपसे, जल्दी हमको है, जैसे ही आता मैं आपको बताता हूँ। मेराज खान साहब, इंग्लिश हल्का फुल्का आना चाहिए, तो अरबी मालूम है, आप आ जाइए, क्लाइंट रहेगा, बात कर सकते हैं। बाकी कोई साथी हमसे बात करना चाहता है तो वीडियो शेयर करें ताकि हम बात कर सकें। बाकी और भी रिक्वायरमेंट है, मैं वो भी आपको शेयर कर दे रहा हूँ। सीबी सिलेक्शन है मेरे भाई, 1400 लोग देख रहे हैं, आपके ट्रेड का भी मैं रिक्वायरमेंट बता दे रहा हूँ, और वो सीबी सिलेक्शन है दोस्तों। तो जो भी साथी अपना सीबी वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह ला के ऑफिस में जमा कर देगा, उसका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं वो भी रिक्वायरमेंट सारा बता देना, बाकी कोई साथी जो है बात करना चाहता है तो बात कर ले हमसे, ताकि कोई बात करना चाहता है। सलमान अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं लगाया हूं सलमान भाई आपको कॉल। जी सलमान भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सद्दाम भाई? कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? यार कुल्ही से। कहाँ से? कुल्ही। कुल्ही कुल्ही कहाँ है भैया? अरे इधर रतनों साइड। कुल्ही से बात कर रहे हैं क्या? कुल्ही थाना, कुल्ही जो पड़ता है। हाँ अरे हम तो वहाँ पे एक न्यूज शूट करने के लिए गए थे, हत्या हुई थी एक आदमी का, बहुत पहले की बात है। वहाँ नेपाल का बॉर्डर ही है और टावर बार बार छोड़ देता है अपने यहाँ का। दस बोला से हाँ सोनौली बॉर्डर है ना। जी जी जी, आप क्या आपकी मदद कर सकते हैं? जैसे मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, रिटर्न हूँ, सऊदी भी दुबई भी रिटर्न हूँ, तो है कोई वैकेंसी है क्या? देखिए इलेक्ट्रीशियन है जो भी, देखिए हमारे पास जब ज्यादा आदमी का रिक्वायरमेंट आता है, समझ रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा सलमान भाई कि आपने शेयर करके और मर्ज की तरह फेस टू फेस आप हमसे बात कर रहे हैं। बहुत से मैं लोग कितनी हैं जो शेयर करने में डरते हैं, हम इसलिए करवाते हैं कि जानकारी सारे लोगों तक पहुंच जाएगा, जान लीजिए। नहीं, मैं कितनी बार शेयर करके कांटेक्ट में आया लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं किए। देखिए ना, मैंने बात किया ना अभी अभी, मैंने चलो ठीक है आपसे। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ साथियों, आपको भी जवाब दे रहा हूँ। हमारे पास जब रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आता है, जैसे इसमें देखिए सर्विस के लिए 100 आदमी चाहिए, उसके जितने ब्रांचेस सारे लगाएगा, ड्राइवर 150 चाहिए, सॉरी 100 ड्राइवर चाहिए, 150 जो है सर्विस के लिए चाहिए। जब बड़े बल्क के रिक्वायरमेंट आते हैं भैया, तब जाके मैं लाइव आता हूँ। 10 आदमी चाहिए, 15 आदमी चाहिए, किसी कंपनी को लाइव नहीं आता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना विश्वास करते हैं मेरे ऑफिस में। आप खुद आके पहले से रिक्वायरमेंट आया रहे ना, अरे भैया हम इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, ये मेसन है, हेल्पर है, ये रखिए हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह आएगा, तो हम लोग खुद फोन कर, जिनका डॉक्यूमेंट जमा रहता है ना भैया, हम लोग खुद फोन करके बताते हैं, हेलो हाँ आपके ट्रेड का काम है, एल्युमिनियम फिटर है, अच्छा ये ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर, आपके ट्रेड का काम है, इतना सैलरी है, इतनी कंपनी है, सारा चीज यही है, आप रेडी है जाने के लिए? हाँ भैया रेडी है, वीजा आ गया, अगला चला गया। जब रिक्वायरमेंट बड़ा रहता है तभी जो है, अमीन अंसारी साहब कॉल कर रहा हूं, तब तक एक सीबी सिलेक्शन वाला भी रिक्वायरमेंट बता दूं मैं। ये देखिए एक ओमान की कंपनी है, ध्यान से दीजिए देखिएगा, यह ओमान की कंपनी है और सीबी सिलेक्शन है, ठीक है, ये सीबी सिलेक्शन है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। बादिया रुकू ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी ओमान के, सारा डिटेल लिखा है। स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, मेसन, 3 ट्रेड के आदमी चाहिए, 50 50 50, ये सीबी सिलेक्शन है। आपको फोन भी कर सकता है, बात भी कर सकता है, या सीबी आपका अच्छा रहा तो आपको डायरेक्ट वीजा भी दे सकता है।
स्टील फिक्सर की सैलरी कितनी है? 120+20 खाने का, सटरिंग कारपेंटर का 120+20 खाने का, मेसन का 120+20 खाने का। इसमें जीसीसी या फ्रेशर आदमी दोनों अप्लाई कर सकता है, काम उसको पूरा का पूरा मालूम होना चाहिए। काम नहीं मालूम होगा तो भाई वीजा हम नहीं मंगवा पाएंगे, जो कहना साफ बात। हम तो एक पेपर पे लिखवा लेंगे, वीडियो बनवा लेंगे आपका कि हम मेसन के काम है पूरा जानते हैं, सटरिंग कारपेंटर का काम पूरा जानते हैं, स्टील फिक्सर का काम पूरा जानते हैं। वहां नहीं कर पाएंगे तो वही वीडियो हम दिखाएंगे और अपने पास से किराया भाड़ा लगा के वापिस आइएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो काम मालूम है तो ही। यह जो है देखिए, स्टील फिक्सर, सटरिंग कारपेंटर, मेसन, सबका सैलरी 120 से प्लस 20 फुट खाने का है, प्लस 50 50 आदमी चाहिए। कोई भी आदमी लगा सकता है। 10 घंटा ड्यूटी है, 9 घंटा प्लस 1 घंटा खाने का। टोटल ड्यूटी 9 घंटे का है, प्लस 1 घंटे का खाने का छुट्टी है, प्लस ओवर टाइम है। 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगा। एज एक चीज जानकारी बता दो, 1700 भाई हमारे देख रहे हैं, हमारे शेर देख रहे हैं जो है। इसमें मैं जो है, देखिए इतना सुंदर सुंदर आप लोग का जहर अली भाई बोल रहे हैं, एक नंबर की ऑफिस है आप, एकदम बिल्कुल जाए आप, क्या मैं बताऊं। हाँ ठीक है भाई, अच्छा काम करते हैं आप लोग की दुआई को जैसे है। हाँ और आमिर भाई मैं बात कर रहा हूँ, रुकिए। इसमें जो है, उमान में किसी भी ऑफिस में आप काम करवा रहे हैं, अगर उम्र आपका 21 साल से कम है तो वीजा नहीं लगेगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऑफिस वाले भी जल्दबाजी में एज नहीं चेक कर पाते, आपने इंटरव्यू मार दिया, जल्दबाजी में मेडिकल भी बोल दिया, लास्ट में पता चला 21 साल से 2 दिन कम आ रहा हूँ मैं, 1 महीना कम है, 6 महीना कम है, फिर वीजा नहीं लगेगा, समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 21 साल से जिसका एज ज्यादा रहेगा वही आएगा और 38 साल तक चलेगा। यह तीनों ट्रेडे का पासपोर्ट आपका 10 फेल रहे, 10 पास रहे, सब चल जाएगा मेरे भाई। एसीबी सिलेक्शन है, इसका लास्ट डेट मेरे भाई इस महीने के 25, 26 या 30 ले लीजिए। इसमें तो लगभग लगभग सारे जो भी पुराने कैंडिडेट हैं हमने भेज दिया है, लेकिन अगर इस महीने के 30 नवंबर तक भी आ जाते हैं तो आपका काम मैं करवा दूंगा, 30 नवंबर तक, ध्यान दीजिएगा। 30 नवंबर पास आएंगे इस कंपनी में नहीं होगा, उस समय जो कंपनी होगा उसमें हो जाएगा। बाकी देखिए, बहरीन के लिए भी एक इतनी बेहतरीन कंपनी है ये, मतलब अलगानी कंपनी नाम भी बता दे, इतनी बेहतरीन कंपनी है पूछिए मत। इसमें आदमी गए हैं कहेंगे तो वीजा भी दिखा दूंगा, मतलब पूरे बहरीन का एक नंबर की कंपनी है, ऐसे बेहतरीन मैंने कंपनी देखा ही नहीं, जो कहना साफ बात। क्योंकि आदमी जाता है जिंदगी भर उसमें खुश रहता है। यह जो है, इसका भी सीबी सिलेक्शन है, इसमें ब्लॉक प्लास्टर मेसन चाहिए, स्टील फिक्सर चाहिए और इसका फोल्डर चाहिए, ध्यान दीजिएगा, 3 ट्रेड चाहिए। यह जो है, 3 ट्रेड मेरे भाई चाहिए, समझ रहे हैं? 3 ट्रेड, और जो है मतलब 3 ट्रेड चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, पासपोर्ट जो है सीएनआर चाहिए, 10 पास वाला, वही आदमी आएंगे जिनके पास 10 पास का पासपोर्ट हो। ब्लॉक प्लास्टर स्टील फिक्सर, इसका फोल्डर, एज 21 साल से 40 तक चलेगा, पासपोर्ट सिर्फ सीएनआर ही चाहिए 10 पास वाला, नहीं तो आपका वीजा भी नहीं निकलेगा, जाएगी भी नहीं। सैलरी 105 BD आपका बेसिक रहेगा, 8 घंटे का, 8 घंटे का 105 BD है, प्लस OT है। 105 BD डालेंगे तो 20 21 22 23 हजार रुपये आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, ठीक है? और प्लस OT है, खाना कंपनी नहीं देगी, ओवर टाइम 8 घंटे के बाद जो भी काम करेंगे ओवर टाइम है, आपसे बता दो साथियों, रोज 2-3 घंटा ओवर टाइम चलता है इस कंपनी में, मैं इसका जिम्मा लेता हूँ, जान दीजिए, आप याद करेंगे इस कंपनी में जाके, ठीक है? तो यह जो है ओवर टाइम, 6 दिन काम करना है, फ्राइडे को जो है छुट्टी रहती है, 2 साल का वीजा है, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट कंपनी आपको रहने के लिए रूम, मेडिकल और सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा लेगी। यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आदमी गए हैं यार, बहुत बेहतरीन कंपनी है। उसके बाद जो है आप देखिए, कंस्ट्रक्शन लेबर चाहिए, हेल्पर चाहिए सऊदी के लिए ही, ठीक है? पासपोर्ट आपका कोई भी रहे काम हो जाएगा, सीवी सिलेक्शन जो हेल्पर के साथ ही है, ठीक है? जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ, 30 तारीख तक डेट है, इसी महीने के अंदर जो आ जाएगा उसका काम करा देंगे। कंस्ट्रक्शन हेल्पर चाहिए, 1000 सऊदी रियाल सैलरी है, ड्यूटी 8 घंटा है, प्लस ओवर टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का वीजा रहेगा, एज 30 साल से कम चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कंपनी एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट सारा चीज प्रोवाइड कराएगी, कैंडिडेट का दोनों जो है डोज लगाना चाहिए, पासपोर्ट सीआर सीएनआर दोनों चलेगा दोस्तों। दिया जो है सीबी सिलेक्शन का भी लगभग लगभग मैंने बता दिया, और हमारे कहाँ गए आमिर भाई, बहुत शेयर किए हैं, मैं बात कर लूँ एक बार,
नंबर मत डाला करिए, नहीं फर्जी लोग बहुत घूम रहे हैं। आज देखिए कि फोन आया था हमारे ऑफिस कंपनी के नंबर पे कि भैया एक आदमी आया है गांव में फोर व्हीलर से, बोल रहा है परफेक्ट ग्रुप का स्टाफ हूँ, आओ बैठो तुम लोग और चलो मेडिकल के लिए। गया है खून निकलवा लिया, 5,000 रुपया भी ले लिया है। तो स्टाफ ने बोला भैया जब आया है तब आपने क्यों नहीं फोन किया, तो चुप, हमको लगा सही में आया है। बाहरी लाइसेंस वाले जो भी हैं आ सकते हैं, उनका काम हो जाएगा मेरे भाई। बाहरी लाइसेंस वाले कोई ड्राइवर हो, ऑपरेटर हो, कतर लाइसेंस वाले हो, समझ रहे मेरी बात को, ओमान के लाइसेंस वाले, कुवैत के लाइसेंस वाले, काम हो जाएगा। बिरबल बिरबल भाई आपने शेयर किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। इसके बाद चंद्रमान कुमार भैया ने शेयर किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी भैया नमस्कार, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। हेलो हेलो, आपका लग रहा है नेट का हाँ सर, प्रॉब्लम। हेलो, सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वीडियो नहीं दिख रहा है यार, कहाँ है? थोड़ा रूम में हूँ सर, अंधेरा है। थोड़ा उजाला करिए यार, चेहरा तो कम से कम दिखे। आप किस ट्रेन में आएंगे? सर मैं तो ड्राइवरी करता हूँ पेशे से, अच्छा, किस में जाना चाहते हैं? आवाज ही आपकी कट रही है। हेलो, आवाज कटना, माफी चाहते हैं, आपका नेट का भी प्रॉब्लम है। मोहम्मद सलीम भाई पूछ रहे सऊदी लाइसेंस वाला, मैंने बता दिया सऊदी लाइसेंस वाला 1400 प्लस 200 है, प्लस जितना माल आप डिलीवरी कर, जितने पार्सल डिलीवरी करेंगे उसके पीछे कमीशन है आपका, बहुत ही अच्छा है, इसमें आप भी जा भी चुके हैं। ठीक है, अच्छा कोई साथी है जो बात करना चाहता है, वीडियो को शेयर करें ताकि। डीजल मैकेनिक क्या जी मेरे भाई, डीजल मैकेनिक, पेट्रोल मैकेनिक, ठीक है, कितने दिन है? असमुद्दीन खान साहब को मैं वीडियो कॉलिंग लगा रहा हूँ, हमारे बारे में बहुत अच्छा लिखे हैं। और रुके, असमुद्दीन साहब लाइन पे आ जाइए, आप कहाँ गए असमुद्दीन साहब? इतना सुंदर सुंदर आप लोग लिखते हैं कमेंट, क्या बताया जाए। अमित कुमार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देखिए मैं सारा बता दिया आपको, मेरे यहाँ देखिए जो भी रिक्वायरमेंट बल्क में आता है, 30 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी चाहिए, उसी को मैं लाइव बनाता हूँ। बाकी 10 आदमी, 5 आदमी, 20 आदमी का नहीं डालता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी रिक्वायरमेंट आता रहता है और काम हो जाता है। हमारे कंपनी का सीधा सीधा रूल भी है कि आप आए 45 दिन टाइम दीजिए, काम हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो आपका अलग रास्ता, हमारा अलग रास्ता, जो कहना साफ बात। और टाइम देंगे तो कोशिश करेंगे हम कहीं और जगह ट्राई करने के लिए, नहीं देंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो लगभग लगभग सारा रिक्वायरमेंट मैंने शेयर कर दिया है। और उमेर अहमद भाई, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए मार्केटिंग के लिए, यार मैं क्या बताऊं, दो स्टाफ चाहिए, एक न्यूज चैनल के वीडियो एडिटर चाहिए जो फेसबुक यूट्यूब से लगा सारा चीजें जो है हैंडल कर सके, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग कर सके, और दूसरा जो है क्या बोलते हैं मार्केटिंग के लिए चाहिए, जो बैठ के विदेश में कॉल करके मार्केटिंग कर सके। लेकिन मुझे मालूम है आप लोग नहीं दिला पाएंगे, इसके लिए अब सोच रहे कोई दूसरा रास्ता अपनाएं, ताकि स्टाफ चाहिए ही चाहिए इस तरीके से। और क्या कह रहे हैं आप लोग दोस्तों? इमली सलाम भाई बोल रहे हैं, अरे यार अपना नंबर भेजो, हम बात करेंगे आपसे, कहाँ टाइम है बात करने के लिए दोस्त, देख रहे हैं क्या बताया जाए अपनी जिंदगी। फरहान खान साहब, छपरा वपरा ऑफिस नहीं खुला है भैया, मेरा ऑफिस एक ही है और चुपचाप यही काम होता है। क्या हुआ, जिनका फ्लाइट है सब जा रहे हैं ना वो कल? हाँ ठीक है, उनको बोलिए एयरपोर्ट पे ही सारा चीज भेजवाएंगे, फटाफट बाहर से बाहर निकल जाए। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं ना है जो डालना है? और कोई रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी जो वो? चलिए दोस्तों, तो मेहताब अंसारी साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेहताब भाई मैं आपसे बात करा रहा हूँ, मेहता भाई सलाम सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम।
क्या हाल चाल है? कहाँ बात कर रहे हैं? ठंडी पड़ना शुरू हो गया? अच्छा देवरिया जिला से बात कर रहे हैं, लार टाउन से भी यहाँ। कल गए थे आपके पास, आपसे मुलाकात नहीं हुई सर। कल तो पूरा बताइए ना, क्या काम कर सकता हूँ मैं आपके लिए, क्या कर सकता काम सर ये है कि मेरे पास वीजा कुवैत का है, ठीक हूँ? है, और मतलब जिसे स्टम्पिंग और एग्रीमेशन करवाना है उसको। जी तो आपका पीसीसी हो गया है? सर, पीसीसी हमको मिला है 4-5 दिन हुआ। अब मेडिकल मेडिकल अभी नहीं हुआ है, 24 तारीख को जाना है सर। तो मेडिकल जाएंगे। देखिए, जो भी आपको वैद्य का रूल क्या है कि जब कभी स्टैंपिंग कब होगा, इमिग्रेशन कब होगा, जब आपका पीसीसी और मेडिकल दोनों हो जाए। कोई ये बोलता है कि हम जी अभी करा देंगे, वो झूठ बोलता है। जी जी क्योंकि हमारा एक काम नहीं, हमारे पास खुद इतना बिजी रहता है कि अपना ही काम टाइम से नहीं हो पाता है। क्योंकि आप हमारे वीडियो को शेयर किए हैं, इंशाल्लाह जो भी होगा मैं आपकी पूरी की मदद करूंगा। लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप मेडिकल करवा लें। मेडिकल करवाएंगे तो वीजे पे फिट होके वो जो है लगाता है। एक चीज और मैं बता दूं, कुवैत का मेडिकल इतना हार्ड है कि पूछिए मत। मेरा 250 वीजा लगा, सलाम भाई, मैं तो सुनिए आर्मी का वीजा निकला। हम बोल रहे हैं कि मेडिकल कराने गए थे, मेडिकल में फेल हो गए। माइक्रो फाइलेरिया गया क्या? माइक्रो फाइलेरिया? नहीं, चेष्टा में दाग निकाल दिया, बता रहा है पुराना दाग है, और यहाँ अपने देवरिया जिला में कराए तो वहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है। अब गमका मेडिकल वालों को देखिए, सामने कुछ नहीं चलेगा, आप विदेश नहीं जा पाएंगे, सब मेहनत आपका बेकार हो गया, यही सच्चाई है। जी जी वही, आपके समझ पास कल गए थे हम तो आपसे मुलाकात तो नहीं हुआ। जी ये ना, आपने शेयर किया, आप इतना अच्छा से बात है, और इतना ज्यादा टाइम हम ऑफिस में नहीं दे पाते हैं जाने के लिए। क्योंकि आदमी आता है जी लैपटॉप खोल के, किसका मेल है, किसका वैकेंसी है, किसका वीजा अप्लाई करवाना, किसका टिकट बुक करवाना, उसी में उलझा रहता है। समझ रहे हैं? जी जी आपका मैं बता दूंगा, आप थोड़ा भी परेशान मत होइए। जब गमका मेडिकल ने ऑनलाइन चढ़ गया फिर नहीं, अभी जिसे हम कच्चा मेडिकल कराए थे हम। अब इसका जो है एक दवा आता है, समझ रहे हैं, एक जी दवा जी आता है, वो दवा खा के कुछ दिन उसके बाद मेडिकल करवाइए। देखिए, दवा अब को तो पता नहीं है, हम डॉक्टर को दिखाए तो दवा लिखे तो दवा नहीं, एक दवा आता है मेरे भाई, एक दो लोग का आया था, तीन चार लोग को आया था, हल्का फुल्का दाग रहता है, वो दवा खाने से थोड़ा सा कुछ दिन के लिए वो दाग थोड़ा हट जाता है सीने का। कई लोग जी हमारे भी कैंडिडेट का इसी तरह हुआ था, माइक्रो फेलेरिया सबसे ज्यादा लोग फेल हुए। दूसरा जो नहीं, आपकी वो दिक्कत मेरे है, ऊंट एक में कोई दिक्कत नहीं था, बस वही चेस्ट में दाग निकाल दिया था। और यहाँ गए थे न्यू नखलऊ मेडिकल सेंटर पे। पटना तो पटना क्यों नहीं चले गए? पटना में तो ठीक ही रिस्पॉन्स आ रहा है। में अब देखना पड़ेगा। वही नया नया सेंटर खुला है लखनऊ वालों से, तो बहुत अच्छा मेडिकल कर रहा है, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि हमारे वही बहुत तो दादा जी पटना से पास हुए हैं मेडिकल वही आपसे लखनऊ। बात करने के लिए गए थे हम तो आपसे मुलाकात नहीं हुआ, फिर अभी खोले तो देखें आप ऑनलाइन किसी अच्छे अच्छे पैथोलॉजी जाइए, जो विदेश विदेश का जो है मेडिकल वगैरह करता है या जो भी है, उससे बोलिए कि यह दिक्कत है। और गमका में मेरा ये हो गया है, पैसा मांगता है मत दीजिए। कहिए हम गमका में फिट हो जाएंगे, आप जो बोल रहे हैं हम दे देंगे। हमको दवा बता दीजिए और हम आए तो चेक करके बता दीजिए, आप जाओगे तो आप, तुम्हारा क्लियर आए। समझ जी। रहे मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूँ, जो हाँ भी है हमारा तो पैथोलॉजी है नहीं, जिसका भी हो उनसे बात जी करिए, बताइए उनको क्लियर कि हम गमका में गए थे, हमारा छुपाइएगा मत, जहां नहीं छुपाएंगे वहां फंस जाएंगे। जी आप उनको बताइए कि हमारी परेशानी ये है कि वीजा सारा रेडी है और हम गए थे, सीने में दाग आ रहा है, डॉक्टर साहब जो भी हो कुछ ऐसा दवा दीजिए, और हमको दवा खिलाने के बाद चेक करके भी बताइए एक्सरा ओके है कि नहीं है, और हम ताकि गमका में जाएं वहां तो हमारा क्लियर आ जाए। जी हाँ, तब आपका काम हो जाएगा। ठीक। तो 24 तारीख को हमको जाना है, थोड़ा निकलो फिर मेडिकल के लिए। जी 24 तारीख को मत जाइए, लेट जाइए, दवा ववा खा के, नहीं तो तुरंत कह देगा अनफिट है, फिर चढ़ा देगा। जी तो आप ही बताइए कहाँ जाएं हम।
कौन सी या पैथोलॉजी पे हम जाए? इसके बारे में कोई सर, मैं यही कहूंगा एक अच्छे डॉक्टर से बोलिए, अपनी परेशानी बताइए, बताइए यहाँ गमका मेडिकल में गए थे और ऐसा ऐसा। प्राइवेट वाले जो जांच होता है वो अलग जांच है, लेकिन जो विदेश जाने वाली जांच होती है वो अलग जांच है। जो नहीं यहाँ मेरे से यहाँ जांच होता है उसमें देखेगा कि बीमारी नहीं ना है कोई, समझ रहे मेरी जी बात को? हाँ, जी जी समझ रहे हैं एक्सरे यहाँ कराए कहेंगे भाई सब तो ओके, कोई आपको दिक्कत ये नहीं है। जी। ये हमारे यहाँ एक इनायत हुसैन रहते हैं, वो एमडी है, सर्जन है। तो बीमारी देखेंगे, कहेंगे आपको सीना में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हाँ फिस तो वो क्लास बोल रहे पेटर वाला पागल है, आपको बेवकूफ हैं। बना रहा तो ठीक है। क्या अब किया जो मैं जाए? बताया उस राय का जो है आप फॉलो करेंगे तो आपका कोई होगा नहीं। बाकी दानिश हक साहब हैं, वीडियो को शेयर किए हैं, लिखे हैं 6 साल जो है। मुझे यार दोस्त मैं क्या बताऊं। हेलो जी, सलाम वालेकुम। हेलो देखिए, और जो है अमीन अंसारी साहब बड़ी देर से शेयर कर रहे हैं, माफी चाहते हैं थोड़ा लेट हो गए। अमीन अंसारी साहब मैंने कॉल लगा दिया आपको। अब लगाया हूँ, आपका फोन एडिंग लिख के आ रहा है, पता कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। फैयाज मोहम्मद साहब भी शेयर कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करना है, जो भी साथी बात करना चाहते हैं, एकदम खैलियर बैठे हैं भैया। ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो को शेयर करिए, मैं बात कर रहा हूँ। मिंटू भाई पूछ रहे हैं आपका ऑफिस कहाँ है। जी सलाम वालेकुम, जुड़ गए साथी, नेट के आपके यहाँ दिक्कत है, ज्वाइनिंग लिख के रहा है लेकिन आपका ना ऑडियो आ रहा है ना वीडियो आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। हमारी कोई गलती नहीं, आपने शेयर किया, मैंने आपको फोन लगाया, लेकिन नेट के यहाँ आपके यहाँ सुस्त है लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी सारा चीज मैं बता दिया। आज आपको लिखने की याद करने की कौन सी बातें हैं। पहला चीज कि उमान में अगर उम्र आपका 21 साल से कम है तो आपका वीजा नहीं लग सकता, यह चीज ध्यान देने की जरूरत है बहुत ही ज्यादा। ठीक है दोस्तों, इस चीज को, इस सबक को आज का याद रखिएगा। बाकी जो है आप लोगों के सामने नतमस्तक होता हूँ, प्रणाम सलाम आदाब, जिस भाषा में हमारा प्यार दुलार आशीर्वाद स्वीकार करना चाहते हैं कर लीजिए, और मैं आप लोगों के लिए हर एक पल आपके साथ रहूंगा। और मैं भी यही चाहता हूं कि आप भी अपने अंदर एक आदत डाल लीजिए, रोज यह सोचिए कि यार जो भी घर बार गाड़ी घोड़ा पैसा कौड़ी जो भी है हमको सब छोड़ के आग पे चिता पे जल जाना है, राख हो जाना है, या मट्टी में दफन होके मिट्टी में मिल जाना है, तो आपसे कहीं कभी कोई पाप उस दिन नहीं होगा। जिस दिन आप अपनी मौत को भूल जाएंगे कि नहीं सब हमारा है, हम है, वो अलग ही दुनिया में जिएंगे, हम आप किसी को समझेंगे नहीं, आपके आगे आपका जिंदगी जिंदगी जो है नरक बन जाएगा यार। तो मेरा यही है कि जो भी हमसे हो पाता है बेस्ट करते हैं, ठीक है। और विदेश भेजने वाला लाइन रियल में इतना ज्यादा बदलाम है, इतना ज्यादा बदलाम है कि पूछिए मत यार। लेकिन बस अच्छा ये लगता है कि थोड़ा सा अच्छा प्रयास देता हूँ तो आप लोगों को रोजी रोजगार मिल जाता है, उसी में हमारा दिल बड़ी खुश हो जाता है। चलो हमने छोटा सा प्रयास किया, आदमी जो आदमी 10 हजार कमा रहा था विदेश में 20 हजार कमा रहा है, 25 हजार कमा रहा है, 30 हजार कमा रहा है, कल को अपने बच्चों को अपने फैमिली को अच्छे से सपोर्ट करेगा, आगे बढ़ेगा, बस वही दुआ है हमारे लिए। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों, मैंने लगभग लगभग सारी जानकारी बता ही दिया है। और आए दिन मेरे नाम से इतना फर्जीवाड़ा होता है कि हम क्या बताएं यार, आप ही है कोई भी, मतलब क्या मैं बताऊं। और आप लोगों के कई साथी कमेंट में अपना फोन नंबर डालते हैं, और जो है आदमी फोन करता है हमारा फोटो लगा के सद्दाम भाई बोल रहे हैं पासपोर्ट भेजो तुरंत वीजा लगाएंगे, आदमी भी एकदम खुश रही बाप सद्दाम भाई ने फोन कर दिया, अपना पासपोर्ट का फोटो कापी भेजा उधर तब से वीजा आ गया, तब से दोबारा फोन आ गया, 20 हजार डालो, 10 पहले कहेगा 5 हजार डालो, 5 हजार डालेंगे अरे बाबू ये पेपर बचा है चल ये भी डालो, लपेट लेगा पूरा। और आदमी कितना मूर्ख है, पैसा पूरा दे देगा टाइम से होगी उसको, अब जब शो है फोन नहीं उठाएगा इनको ब्लॉक कर देगा, तब याद आता है कि नहीं सद्दाम भाई का ऑफिस में जाना जरूरी है, तब आता है। वो जानता है कि सद्दाम भाई नहीं था, हम फर्जीवाड़ा हमारे साथ हो गया, लेकिन फिर भी बेचारा आता है बेवकूफ तरह।
अब फिर उससे मैं सवाल पूछता है, मेरा स्टाफ सवाल पूछता है कि अगर यही काम अगर पैसा डालने से पहले किए रहते तो चुप हो जाता है सत। अब इतना मूर्ख आदमी है, पैसा हम मांग रहे हैं और खाता नंबर जो है ट्रांसफर कर रहे हैं भोपाल के, समझ रहे हैं, भोपाल के खाता के, महाराष्ट्र के खाता में, बिहार के खाता में जो है पैसा ट्रांसफर कर रहा है, नाम भी लिखा है जिसके खाता में पैसा दे रहा है। इतना नहीं बुद्धि उसका काम कर रहा है कि यार ये तो वो आदमी है ये नहीं है। मोहम्मद मासूम भाई नहीं पढ़े लिखे, आप आ जाइए ऑफिस में आ जाए, बाकी हमारा काम है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है हमसे बात करके, आप लोगों से बात करके, और जो है मुझे मालूम है आप लोग मुझे ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं, और लेकिन ये एक सच्चाई है यार, समझ रहे हैं, इस दुनिया में आगे बढ़ाने वाले कम, पैर खींचने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ही ज्यादा, समझ रहे हैं, लेकिन मैं टिका हूँ आपके विश्वास पे, आप लोग के प्यार दुलार और आशीर्वाद से, समझ रहे हैं ना, जब आप हमारे लोग साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर एक जो है मजबूरी से, हर एक परेशानी से मैं गुजरने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, सलाम वालेकुम, आज दिल कर रहा है इसे गले मिल के आपसे अलविदा ले, फिर जरूर मिलेंगे आपसे।